चंद्र को ही आधार क्यों लिया गया जन्म नक्षत्र के लिए और दशाएं तय करने के लिए? इसका हमें शास्त्रों में इसका कहीं पर इसका ज्ञान मिलता है? पंचांग के जो पांच कंपोनेंट्स बताए उसमें तिथि एक्सक्लूसिव सूर्य और चंद्रमा को सबसे मुख्य आधार माना गया। वेदों में सबसे पहला रेफरेंस ये मिलता है कि द्वादश प्रदय चक्रमेकम श्री रवज्ञानी कौदच्य के तत्व। सबसे पहला ऋषि सबसे पहला सवाल पूछता है कि भाई ये एक चक्र है, काल चक्र की बात कर रहे हैं, इसमें आपके साल वाले सवाल का जवाब भी मिलेगा कि द्वादश प्रदय इसकी 12 प्रधियां हैं, इसमें 12 स्पोक्स हैं, त्रीणी नभ्यानी इसमें 3 नाभि हैं, 3 सेंट्रल पॉइंट है, द्वादश प्रदय चक्रम एकम ये एक चक्र है, त्रीणी नभ्यानी कौतच्य केतन, ऐसा कौन है जो इसको इस बारे में कंप्लीटली जानता है, वो आए और हमें बताए। तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि सूर्य और चंद्रमा को देख करके सबसे पहले हिंदुस्तान में वैदिक काल में काल गणना शुरू की गई थी। समय को नापने की उनके पास और कोई इकाई नहीं थी, तो सबसे पहले उन्होंने सूर्य चंद्रमा के आधार पर ही साल और महीने को नापना शुरू किया। तो पंचांग के कंपोनेंट्स में चंद्रमा के नक्षत्र को महत्व दिया गया, क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र ही सबसे मुख्य नक्षत्र है। मुख्य नक्षत्र क्यों है? क्योंकि इसके लिए वेद में कथा आई है कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 33 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो धरती के सबसे ज्यादा नजदीक है, और इसके अलावा एक महीने से भी कम टाइम में लगभग 27 दिन में सारे नक्षत्रों में घूम करके नहीं पूरे राशि चक्र की एक परिक्रमा करके आ जाता है, जबकि इतनी दूरी को पार करने में सूर्य हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं और दूसरे ग्रहों को और ज़्यादा ज़्यादा समय लगते हैं, और शनि को तो पूरे राशि चक्र को घूमने में 30 साल लगते हैं। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था, बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट टू अर्थ था, नियरेस्ट टू अर्थ था, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इसका पंचांग का कंपोनेंट बनाते द नक्षत्र इज द डेली नक्षत्र। इसलिए अंग्रेजी में भी इसको लूनर मेंशन कहते हैं जी। नक्षत्रों को जी। चंद्रमा के रहने का निवास स्थान है। इसी तरीके से यहाँ भी हमारे यहाँ तारा तारापति चंद्रमा को ही कहा, चंद्रो नक्षत्राणाम अधिपति, वेद का एक मंत्र है, चंद्रमा नक्षत्रों का अधिपति है। चंद्रमा को नक्षत्रों का अधिपति ही क्यों माना? क्योंकि वो 12 महीनों में कम से कम 12 साइकिल पूरी कर लेता है, 12 साइकिल से भी ज़्यादा साइकिल पूरे कर लेता है, इसलिए वो बार बार उनमें घूमता है। तो जो बार बार आता है तो इसलिए उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता होगा धरती के लोगों के ऊपर, जीवधारियों के ऊपर, इसलिए उन्होंने उसको चंद्रमा को महत्ता दी। तिथि में भी आप देखेंगे सूर्य चंद्रमा की महत्ता प्रतिफलित होती है, प्रकट होती है। सूर्य से चंद्रमा की दूरी तिथि है, तो सबसे पहला उन्होंने कहा सूर्य से चंद्रमा की दूरी, क्योंकि काल गणना का सबसे पहला जो यूनिट आता है निकल करके वो सूर्य चंद्रमा की दूरी ही आता है। जब सूर्य चंद्रमा एक साथ हो गए, अमावस्या में आ गए, अमा माने साथ साथ, वस माने रहते हैं, जिस समय सूर्य चंद्रमा एक साथ रहते हैं दैट द एंड ऑफ द मंथ, अमांत मंथ में, और जिस समय वो 180 डिग्री अपार्ट हो जाते हैं तो उसको पूर्णमासी का, यदि कृष्णादि मंत्र माने तो उसको पूर्णमासी या पूर्णिमा, पूर्ण है माँ माने प्रभा, लक्ष्मी जिसमें पूरी है, ज्योत्सना जिसमें पूरी है, चांदी जिसमें, अर्थात सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के 180 डिग्री आमने सामने है। तो इस तरीके से सूर्य चंद्रमा के ये पॉइंट्स माने गए कि जिस समय वो युति होकर के डीप कंजंक्शन होने के बाद फिर 180 डिग्री पर जाता है तो ये 15 दिन का टाइम होता है, इसमें सूर्य की चंद्रमा की कला घटती है और कभी चंद्रमा की कला बढ़ती है। तो नवो नवो जायते, नवो न जायते, इस तरीके का एक मंत्र मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, नवो नवो जायते जायमाना, ये रोज रोज नया चंद्रमा पैदा होता रहता है। ये चंद्रमा की कलाएं यानी चंद्रमा की जो वो 16 तरीके घटना और बढ़ना है 16 तिथियों का, उसका वर्णन ऋग्वेद में है। तो नवो नवो ये हर रोज नया नया पैदा हो जाता है चंद्रमा। सूर्य के उदय के लिए उन्होंने कहा कि ये सूर्य पता नहीं एक है कि दो है, बहुत इनिशियल स्टेज पर ऋग्वेद में कहा कि सूर्य एक है कि दो है, मुझे लगता है ऋषि कहता है मुझे लगता है कि एक सूर्य है जो इधर से डूब जाता है समुद्र में, राक्षस उसको डुबो देते हैं और सुबह देवता अपनी ताकत से उसको उधर से निकाल देते हैं, तो एक ही सूर्य है, यानी उन्हें पता था कि वो एक ही सूर्य राई होता है, एक ही सूर्य सेट होता है, तो एक सूर्य उनको पता लग गया था। शंका प्रकट करते हैं फिर उसके बाद उसका जवाब देते हैं, तो वहीं से सूर्य चंद्रमा काल की गणना का सबसे बड़ा मुख्य आधार है। तो सूर्य चंद्रमा की कंबाइंड गति से, कंबाइंड डिफरेंस से, कंबाइंड एलोंगेशन से तिथि तय की गई, चंद्रमा की और होरा से, होरा के आधार पर वार तय किए गए, और नक्षत्रों को चंद्रमा के एक्सक्लूसिवली चंद्रमा जिनमें ट्रांजिट कर रहा हो उनको नक्षत्रों को नक्षत्र की पदवी दे दी। योग क्या है? सूर्य चंद्रमा का कंबाइंड मोशन है, उससे योग बनता है। और करण क्या है? वो तिथि का आधा है, तो वहाँ भी सूर्य चंद्रमा इनहेरेंट है, नक्षत्र में भी सूर्य चंद्रमा इनहेरेंट है, वार में भी सूर्य अकेला है, क्योंकि मंदाधरक्रमेणस्यु चतुर्था दिवसाधिपा, सबसे ऊपर शनि की कक्षा है, उसके बाद नीचे बृहस्पति की है,
उसके बाद नीचे मंगल की है, उसके बाद सूर्य है, फिर पृथ्वी है, फिर बुध है, शुक्र है, फिर बुध है और फिर चंद्रमा है। तो ये जो ऑर्डर बनाया तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक चौथा चौथा जो अधिपति है, प्रत्येक चौथा चौथा जो ग्रह है वो अगले अगले वार का लॉर्ड है, वीक डे लॉर्ड है। तो कैसे बना, सन से गिनती शुरू करी। अब हमें नहीं पता कि इतवार को ही पहला वार मानेंगे या शनिवार को रात, कल को किसी स्टेज पर ये स्थिति बन जाती है कि हम तो बुधवार को पहला वार मानेंगे, बुध तो बुधवार से डे शुरू हो गया, वो वीक शुरू हो जाएगा। ये तो आर्बिट्रेरी है, माना हुआ है, एस्ट्राइज है, हमने समझ लिया, कल्पना कर रखी है, कॉन्सेप्चुअल है। तो कल को इसको चेंज भी कर सकते हैं। साइकिल में, सर्कल में कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही एंडिंग पॉइंट हो सकता है, जहाँ से स्टार्टिंग मानेंगे वहीं पर एंड हो जाएगा, उसमें कहीं रेखा गणित की कोई समस्या खड़ी नहीं होती। तो इस तरीके से जब नक्षत्रों को अमावस्या पूर्णिमा की बात करें तो काल गणना के लिए केवल वही चीज थी उनके पास, और कोई रास्ता नहीं था। सूर्य चंद्रमा को उदित होते हुए, चंद्रमा को डूबते हुए, चंद्रमा की नई नई कलाएं, फेजेस ऑफ मून देखते हुए, सबसे पहले अमावस्या को जाना, पूर्णिमासी को जाना, फिर अष्टमी को जाना, कि हर दो अष्टमियों में आधा आधा चंद्रमा रह जाता है, एक में तो अपर हाफ होता है, एक में लोअर हाफ होता है, ये फर्क कैसे आता है, उसको देख देख करके आश्चर्यचकित होकर के उन्हें नंबर लिख लिख करके तय किए थे, और इस तरीके से डे को तय किया था। तो काल समीकरण, काल को तय करना, समय को नापना, मेजरमेंट ऑफ टाइम यूनिट्स इज बेस्ड ऑन द सन एंड द मून्स मोशन ओनली। इसलिए उन्होंने मून को वहां पर इन्हेरेंट किया, मून को एक क्राउन क्राउनिंग दी गई कि भैया तुम नक्षत्र के नक्षत्रपति होने के काबिल हो। सूर्य नक्षत्र चंद्र नक्षत्राणाम अधिपति स माम अवस्तस्मिन, इस यज्ञ में ये सूर्य ये चंद्रमा सारे नक्षत्रों का अधिपति है, ये हमारी रक्षा करे, प्रार्थना करते, जब शादी होती है मंत्र बोला जाता है, चंद्रो नक्षत्राणाम अधिपति स माम अवस्तस्मिन विश्वस इत्यादि इत्यादि कुछ इस तरीके का मंत्र है, पंडिताई भूल गया हुआ।